आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेने आई थी नाश्ता। ये देखिए मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और इमली की चटनी। मुझे इमली की चटनी के साथ आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो इमली की चटनी है ये मीठी वाली नहीं है, खट्टी वाली है। इसकी मीठी वाली भी बनती है बट मैंने इसकी खट्टी चटनी बनाई है। मुझे इमली की चटनी के साथ पराठे इतने ज़्यादा पसंद है, एक दही के साथ और दूसरी इमली की चटनी के साथ। तो यही मैं जा रही हूँ खाने के लिए। काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं और मैं जब काम ख़त्म कर लेती हूँ तभी नाश्ता करती हूँ। हस्बैंड मेरे जब सुबह ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद सारे काम निपटाती हूँ और उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। अभी चल रहा है सावन तो इस वजह से मैं थोड़ा पूजा वूजा भी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती लेकिन हाँ इस समय पूजा तो कर ही लेती हूँ। खाने के पहले पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ नाश्ता और मुझे जाना है मम्मी के घर। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मम्मी के घर मैं क्यों जा रही हूँ। आप लोगों ने मेरी दो वीडियो देखी होगी हेयर स्टाइल वाली, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, यानी कि मैंने वो हेयर स्टाइल नहीं बनाई। वीडियो तो मैंने बनाई है बट हेयर स्टाइल मैंने नहीं बनाई है, वो मेरी एक फ्रेंड ने बनाई है। फ्रेंड बोल सकते हैं क्योंकि वो मेरे घर में यानी कि रेंट पे रहती हैं नीचे फ्लोर पे, तो उसी ने बनाई है। एक दिन मैं उसके यहाँ गई थी तो वो बोली दीदी आप ना हेयर स्टाइल की वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं चाहूँ भी तो हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं बना सकती। तो बोली कि मेरे बालों पर आप बनाओ या मैं दो तीन हेयर स्टाइल आपको बना के दिखाती हूँ, आप शूट करो और फिर आप इसको वीडियो को अपलोड करना। तो उसी ने ये वीडियो बनाई है और आज फिर उसने फ़ोन किया है कि दीदी आओ तो हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो वहीं मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे और पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और उसके बाद तैयार होना है मुझे, तैयार हो जाऊँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और वैसे तो मैं जब भी जाती हूँ तो भाई को फ़ोन करती हूँ, तो उसको फ़ोन किया है, देखिए कब तक आता है। कह रहा था कुछ काम है तो जब वो आएगा तब मैं जाऊँगी। तो चलो पहले कर लेती हूँ नाश्ता और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हे गाइस, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ मम्मी के घर जाने के लिए और बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ भाई के आने का। अभी वो आया नहीं है, फ़ोन किया था तो बोला बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। और आप लोग को एक चीज़ दिखाना भूल गई कि मैंने ये चूड़ियाँ चेंज कर दी हैं। मैंने सिंपल सी ये मेटल की चूड़ियाँ डाली, मुझे मेटल की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। हर तरह की जो चूड़ियाँ हैं मुझे पसंद है लेकिन मेटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसकी शाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली मैंने कुर्ती डाल ली है, मेरी फेवरेट कुर्ती है। वैसे तो मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना तो इतना कोई ज़्यादा तैयार वगैरह नहीं होती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही आज मुझे मन किया कि वाली कुर्ती डालूँ तो मैंने पहन लिया। और मैं ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मेन मुद्दा कह सकते हैं। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ, कितने लोगों को शौक है चीज़ों को इकट्ठा करने की? मतलब आप जब मार्केट जाते हो तो कितने लोग ऐसे हो जो बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हो बट उसका यूज नहीं करते? वो घर में किसी कोने में पड़ा होता है, किसी कबर्ड में पड़ा होता है या अलमारी में पड़ी होती है, मतलब कहीं ना कहीं पड़ा होता है बट यूज नहीं होता, उसमें हम पैसा लगा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, तो इसका एक मकसद है गाइस। मैं बाहर, एक पड़ोसी हैं हमारे तो उनके यहाँ मतलब गई थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब कुछ दूर पे मेरे घर से काफ़ी दूर पे एक लेबर है, उसको खूब मारा गया। मैंने पूछा किस लिए मारा गया, तो मतलब कि वो जहाँ काम कर रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो थोड़ा हो सकता है लेजी हो काम में, जो भी हो, तो उनके जो मालिक थे वो उसे पैसे नहीं दे रहे थे, जिस पे उसने खूब बहस किया और उसके कारण उसे उन लोगों ने मारा क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब हम कहीं जाते हैं मॉल में जाते हैं, किसी अच्छे मार्केट में जाते हैं, खूब सारी चीज़ें खर्चा करके और ले आते हैं, घर में रख देते हैं, कहीं भी पड़ी होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते और हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम ज़्यादा खर्च करके आए हैं। लेकिन जब आती है बात लेबर को देने की, ठेले वाले को देने की, रिक्शे वाले को देने की, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कहीं ये ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, जबकि हमको ये चीज़ पता होती है कि हमारा जो पैसा उनके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ सोचते हैं। हम मॉल में जाके कभी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, हमें उतना ही देना होता है, हमको पता है, बिल बनवाया और घर पे लेके चले आए चीज़ और पैसा दिया है, हमें ये समझ में नहीं आता कि उसमें हमने ज़्यादा पैसा दे दिया, बल्कि हम खुश होते हैं कि हम तो ब्रांड का लेके आए, हम तो मॉल से लेके आए हैं। लेकिन वही जब हम ठेले वाले से लेने जाते हैं कोई चीज़ तो उससे बार्गेनिंग करते हैं, भैया 20 की चीज़ है तो कहते हैं 15 का ही दे दो, 5 हम उसको देना नहीं चाहते,
क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें हम बचा लें, और जहां हमें बचाना चाहिए वहां हम नहीं बचाते। कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप किसी को फालतू पैसा दे आओ, ऐसा नहीं है, लेकिन उस जगह पे बार्गेनिंग करो या उस जगह पे पैसे को बचाओ जहां जरूरत है, वहां मत बचाओ जिससे किसी का घर चलता हो, जिससे उसकी जरूरतें पूरी होती हों, वहां आप अगर बचाने लगोगे तो कैसे होगा। मुझे जब सुना ना मैंने, सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे यही लगा कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। कुछ दिन पहले मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तो वहां पे भी सेम चीज़ थी, और उस पे मैंने अगले मतलब अपने दूसरे वाले चैनल पे ये वीडियो बनाई भी थी। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। लोग अपने घरों में चीज़ों को खरीद खरीद के इकट्ठा करके रखते हैं जो कि वेस्टेड होती हैं, कोई यूज नहीं होता, लेकिन उन्हें उस पे पैसा खर्चा करना बिल्कुल लगता है कि नहीं, कि मतलब हम सही जगह पे ही खर्चा किए हैं। लेकिन अगर किसी की मेहनत का पैसा देना हो तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो ज़्यादा ले जा रहे हैं मेरे से। तो गाइज, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोगों का पैसा बिल्कुल मत मारो जो सच में मेहनत करते हैं, जिनकी ज़रूरतें आपसे पूरी होती हैं, तो उन लोगों का पैसा मत मारो, ठेले वाले का, रिक्शे वाले का, या किसी भी छोटे व्यक्ति का जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है और आपको ये लगता है कि नहीं ये तो हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा मत करो। चीज़ें बचाओ, ये नहीं है, बचत करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उस जगह पे करो जहाँ पे सच में ज़रूरत हो बचत करने की। तो बस गाइस, मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कर लिया। और मैं हर वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो में समाज से कुछ जुड़ी बातें ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग है YouTube की वो मोटिवेशनल वीडियो से ही थी, और मैं चाहती हूँ मैं अपने ब्लॉग के थ्रू ये सारी बातें आप लोग के सामने रखूँ, और इसीलिए मैंने आज ये बात भी की। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी बात आप लोग के सामने रखूं, और ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला है, तो मैं चाहती हूँ ब्लॉग के थ्रू ही आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करूं। तो बस गाइज, अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई मेरा आ चुका है और उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। तो चलो मैं जाती हूँ मम्मी के घर, वहाँ अगर जाके कुछ शूट करती हूँ तो करूँगी, क्योंकि हेयर स्टाइल भी शूट करना है, तो देखती हूँ हेयर स्टाइल शूट करती हूँ या नहीं, क्योंकि मम्मी के घर में जाने के बाद ना गॉसिप ज़्यादा हो जाती है, बातें करने लगते हैं, फिर मस्ती करने लगते हैं, तो उतना हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी कि आज भी एक हेयर स्टाइल की वीडियो बना लूँ। तो चलो गाइज, अभी तो इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।